सो हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि दोस्तों, फर्स्ट बार तो हमने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर दिया एंड किसी भी रीजन से मेरा जो यूट्यूब चैनल है डीमोनेटाइज हो जाता है, जो कि मेरे जो चैनल है रियूज कॉन्टेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, वो मैं सारे तरीका बताऊँगा कि रियूज कॉन्टेंट आया था तो आप उससे वेट कर लिए हैं तो उसको कैसे आप लोग को रीअप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने YouTube स्टूडियो को ओपन कर ले रहा हूँ और ओपन करने के बाद आए का प्रोसेस मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपको रियूज कंटेंट किस लिए आया है। तो दोस्तों, आपने कभी दूसरे को अपने कंटेंट को यूज किए होंगे तभी आपको यहाँ पे रियूज कंटेंट आया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे YouTube स्टूडियो को ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे खासे व्यूज आ जा रहा है एंड यहाँ से मैंने अर्न वाले एक सेशन जो लोक रहा है यहाँ पे देख लीजिए कोने में एंड अर्न वाले सेशन पे यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि एक कोने में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अर्न वाले का, तो सिंपली आपको अर्न वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं अर्न का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे रियूज कंटेंट जो यहाँ पे मेरा आ चुका है, आप लोग लाइव देख सकते हैं कि रियूज कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है जो कि यूट्यूब ने। तो यहाँ पे रियूज कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सिंपली मैंने यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ एंड नीचे की ओर स्क्रोल करके जा रहा हूँ एंड नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे जो टाइम दिया होगा उसी टाइम में यहाँ पे आपको रिप्लाई ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को एक अपील वीडियो जो बना करके आप लोग को देना होता है, जो कि जो गलती से यूट्यूब चैनल जो डिमोनेटाइज कर देता है। तो मैंने उस तरह के अप्लाई जो मैंने नहीं किया, जो अप्लाई होता है 14 दिन के अंदर में, उसको मैंने नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो इंस्टा से उठाकर डाल दिया था दोस्तों, इसलिए मैं उसको नहीं किया। अगर उसको कर देता तो हल्का अगर मिस्टेक हो जाता फिर से आपको मेरे को 90 डेज को वेट करना होता है। तो फिर भी मैंने एक महीना का वेट किया, जो कि मैंने एक वीडियो मैंने यहाँ पे यूज किया था, इसके चलते मैंने एक महीने के लिए वेट किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे की ओर रीअप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं, रीअप्लाई का। तो दोस्तों, रीअप्लाई कैसे करना है, सिर्फ ऐसे ही क्लिक नहीं कर देना है। सबसे पहले तो आप लोग को यूट्यूब चैनल में जितने वीडियोज है उसको सभी तरह से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सभी को अच्छे से चेंजिंग करना है। कोई वहाँ पे ज़्यादातर हैशटैग या दूसरे चैनल के हैशटैग या मनोज दे या कहीं भी मतलब बड़े यूट्यूबर का हैशटैग यहाँ पे यूज नहीं करना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, रीअप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यू हैव रीअप्लाई। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको गो इट पे आप लोग को क्लिक कर देना है, इसको बैक नहीं होने देना है दोस्तों। इसको गो इट जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गो इट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से नया इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि योर रिप्लिकेशन, यहाँ पे रिप्लिकेशन इज अंडर रिव्यू में आपको चला गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 अगस्त को यहाँ पे अप्लाई किया है एंड यहाँ से आप लोग को 30 डे के अंदर में ये जो आप लोग को चैनल है मोनेटाइज कर दे देगा यूट्यूब ने और आपको अर्न का यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसे कि आपने मेरे को स्टार्टिंग में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 डे है, 30 डे के अंदर में ही आपको ये जरूर से हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी रीअप्लाई को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरे जो अर्निंग है यहाँ पे एक दिन का अर्निंग है, तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया हूँ। और दोस्तों, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर से लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय भारत। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना।